हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी के पिच रिपोर्ट के बारे में। क्योंकि आपको पता है श्रीलंका जो है वो ऑस्ट्रेलिया का टूर कर रहा है और कल से जो है वो मैचेज स्टार्ट होने वाले हैं। और टोटल 5 T20 का जो है वो सीरीज है, जिसमें से टोटल 3 ग्राउंड जो है वो यूज़ किए जाएंगे। जिनमें से पहला ग्राउंड जो होगा वो होगा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। सिडनी में 2 मैचेस खेले जाएंगे और उसके बाद से एक मनुका ओवल कैनबरा पर खेला जाएगा, और उसके बाद से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड मेलबर्न पे जो है वो 2 मैचेस खेले जाएंगे। तो टोटल 5 मैचेस जो है वो खेले जाएंगे। और इनमें से खास बात एक अच्छी भी रहेगी कि इंडियन फैंस के लिए खासकर कि ये मैच जो है आपको 1:40 से जो है वो स्टार्ट होगा। तो आपके लिए जो है एक बहुत ही बेनिफिट्स वाला जो है वो बात रहेगा कि बढ़िया सा जो है आप यहाँ पर लेके सब कुछ चल सकते हो। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरह से ये पिच रिपोर्ट बिहेव कर सकता है, कैसा रहने वाला है और क्या क्या जो है यहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं दोनों टीमों की तरफ से, तो कैसे जो है इस पिच का यूज़ जो है वो दोनों टीमें कर सकती है, तो उसको जो हम लोग देखेंगे। और इस पिच के बारे में जो है आप पहले से जो है वो इसको बारे में जो आपको अच्छे से जो है इन्फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे BBL के बहुत सारे जो है मैचेज हो रखे हैं और ऑलरेडी हमने जो है इसका पिच रिपोर्ट डोमेस्टिक मैचों के हिसाब से जो है वो हमने देखा है। और यहाँ पर देखेंगे इंटरनेशनल मैचों के हिसाब से जो है कैसे रहा है और कैसे जो है वो रहेगा, उसको जो हम लोग यहाँ पर एक बार पूरा आकलन करते हुए जो चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, तो अभी तक जो है आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। और मुझसे नहीं जुड़े हो तो ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है, आप यहाँ पे जुड़ सकते हो। साथ में आप कॉल पर सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये डिटेल्स आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हो और एक बढ़िया सा प्रॉफिट जो है आप बना सकते हो। और इसके अलावा अगर बात करते हैं कि यहाँ पर अगर सबसे पहले देखते हैं तो ये स्टेडियम जो है काफ़ी पुराना स्टेडियम है और यहाँ की कैपेसिटी भी आप देखोगे तो तकरीबन 48,000 के आसपास जो है कैपेसिटी है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसके बाउंड्री एरिया भी जो है काफ़ी बड़े बड़े से जो है वो देखने को मिलते हैं, लेकिन बाउंड्री एरिया जो रखा जाता है यानी कि इसका जो पूरा आप देखोगे एक जोनल देखोगे, जोनल एरिया जो है बहुत ही बड़े बड़े आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन पूरा कंपाउंडिंग एरिया की हम बात नहीं करेंगे। अगर बाउंड्री एरिया की बात करते हैं तो बाकी के कंपेयर में हमने देखा कि BBL में जो है बाउंड्री एरिया वो भी छोटे से रखे जाते रहे थे, यहाँ पर भी जो आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ा सा जो है वो छोटा रखा जा सकता है बाउंड्री एरिया, ताकि एक अच्छा सा जो है मैसेज हो सके, अच्छे से रन बन सके और बढ़िया से जो है टीमें इंजॉय कर सके। अब यहाँ पर बात करते हैं दोनों टीमों की तरफ से, आप देखोगे तो ये जो है एक बैटिंग ग्राउंड पिच है और इसका यही मतलब है कि जो इसका बाउंड्री एरिया है, कंपाउंड एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बाउंड्री एरिया की बात कर रहा हूँ, वो जो है थोड़ा सा छोटा बनाया जाता है ताकि बैट्समैन को जो है वो फेवर में रहे। और इसके अलावा एक बिल्कुल एक परफेक्ट ग्राउंड होता है जहाँ पे 180+ जो है रन बिल्कुल आइडियली होता है कि आप स्कोर कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे जो पिचेज है वो भी काफ़ी एक बैटिंग फ्रेंडली पिचेज है, जो कि बैटिंग करना थोड़ा सा जो है वो आसान बना देती है, लेकिन स्टार्टिंग का फेज बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल रहता है। तो अगर आप बॉलर में पिक करके चलना चाहते हो अपनी किसी भी तरह के जो फैंटासी टीम के लिए, तो अगर आप बॉलर्स में पिक करके चलना चाहते हो तो बिल्कुल स्ट्राइक बॉलर को पिक करके चलना। अगर आप ओपनर को चांस करने लेना चाहते हो तो आप बॉलर को मत पिक करना, क्योंकि यहाँ पे दोनों में से किसी एक के ही चलने के जो है चांसेस रहेगा और ऐसा जो है वो होते रहेगा इस ग्राउंड पे। अगर शुरुआत में जो है यहाँ पे कुछ विकेट विकेट गिरता है तो आपको जो है मिडिल ऑर्डर पर जो है वो डिपेंड होना पड़ेगा कि मिडिल ऑर्डर जो है अच्छा सा परफॉर्म करेगा, लेकिन जो स्केरिंग एरिया होता है वो एक अच्छा सा जो स्कोर आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर शुरुआत में 1-2 विकेट जो है वो गिर जाता है, जो किसी भी टीम का हो, दोनों टीमों का हो जो, तो भी जो है वो चलेगा कि किसी का भी जो है गिरता है तो आपको जो है वो देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पे सिडनी सिक्सर के जो है होम ग्राउंड है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्लेयर देखोगे तो उसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि सिडनी सिक्सर के जो है कुछ प्लेयर ऑफकोर्स यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेंगे, तो उनमें से जो है उनका बेनिफिट जरूर उठा सकते हैं वो। और उसी के हिसाब से जो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे जॉस फिलिपे जो है सिडनी सिक्सर की तरफ से, इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे देखने में मॉरिस हेनरिस थे, तो ये वो प्लेयर थे जो कि काफ़ी स्ट्राइक जो है यहाँ पे किए हुए हैं, तो ऑफकोर्स इनको जो है बेनिफिट यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिल सकता है अगर ये प्लेइंग में रहते हैं तो उस हिसाब से जो है आपको यहाँ पे सारी चीज़ें जो है कटलाइज करके चलना है, पिक करके चलना है, ताकि एक बढ़िया सा जो है बेनिफिट यहाँ पे उठा सके। अब इतने सारे उधर भीड़ के बाद भी आप देखोगे तो देखने को मिलेगा एक ग्राउंड जो है बिल्कुल नेचुरली बिहेव करता है, लेकिन उस हिसाब से आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं उनको थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एज कम्पेयर टू जो श्रीलंका के प्लेयर है उनको, क्योंकि ऑफकोर्स लोकली जो खेल रहे हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, चाहे वो बॉलिंग हो बैटिंग हो दोनों में जो है थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट उनको मिलेगा। हाईएस्ट स्कोर देखोगे तो यहाँ पर जो है पिछले 10 मैचों में 221 रन है जो कि ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था ये T20 की हम बात करेंगे, और लोएस्ट देखोगे तो वो है 117 रन जो कि न्यूजीलैंड ने बनाया था लास्ट 10 मैचों में। इसके अलावा पिच जैसे जैसे ओल्ड होते जाता है तो बैटिंग के लिए जो है फेवरेबल होते जाता है और चेसिंग डिफेंडिंग दोनों जो है यहाँ पे एक कामयाब जो है वो रोल परफॉर्म करता है इस ग्राउंड पे। इसके अलावा बात करते हैं T20 स्टेट का, देखोगे अभी तक जो है टोटल 8 मैचेस हुए हैं और इन 8 मैचों में से 3 जो है फर्स्ट बैट जीता है और 5 जो है सेकंड बैट जीता है। इसके अलावा फर्स्ट बैट एवरेज आप देखोगे तो एक बहुत ही अच्छा एवरेज है 171 का है, जो कि एक बहुत ही अच्छा एवरेज जो है बनाता है, और इतना एवरेज रहता है तो आप लेके चल सकते हो कि एक बढ़िया सा जो है बैटिंग ग्राउंड पे आपको देखने को मिलता है। और स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो आप देखोगे 150 से नीचे सिर्फ 2 स्कोर बने हैं, 185 से 170 के बीच में 2 स्कोर है, 170 से 90 के बीच में 1 स्कोर है,
190 से ऊपर जब देखोगे 3 स्कोर आपको देखने को मिलेगा। और ये अगर हम डोमेस्टिक मैचों की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि डोमेस्टिक मैचों में यहाँ पे जो है एक टोटल जो है 49 इनिंग में से जो है 22 जो है फर्स्ट बैट जीता है, 26 सेकेंड बैट जीता है और फर्स्ट बैट एवरेज जो है 160 के आसपास, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्कोर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये जो है यहाँ का रिकॉर्ड्स है अभी तक का दोनों टीमों का जो है आप देख लोगे यहाँ पे, तो किस तरह से जो है दोनों टीमें परफॉर्म करेगी उससे जो आपको थोड़ा बहुत आइडिया जो है वो लग जाएगा। और इसके अलावा अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़ती जो है व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हो, और साथ में आप कॉल पर डिस्कस कर सकते हो, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, और यहाँ से जो है आपको इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इसके अलावा जो भी लीग चल रहा है जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया चल रहा है, इंडिया वेस्ट इंडीज चल रहा है, इसके अलावा जो आप देखो PSL चल रहा है, BBL चल रहा है, तो इनसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो जो है आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।